सिक्कर के हनुमान मंदिर में 1100 किलो आटे से बने 2700 किले के रोट को भोग लगे क्रेन से गुंथो गयो आटो। हनुमान जी के रोट को भोग शनिवार ने सुबह 8 बजे लगायो गयो। इसके बाद में थरेसर की मदद से भी को चूरमो बना की प्रसाद बांटो गयो। देवीपुरा बालाजी मंदिर में रोट बनाने की प्रक्रिया शुक्रवार ने सुबह 4:15 बजे शुरू कर दी। 20 कारीगर क्रेन की मदद से पहले आटे ने गूंथो। इसके बाद में क्रेन पर ही रोलर लगा की बिन बेलियो और भी के बाद में क्रेन से तुवे के सागे ही बिन उठा की एक विशाल काय भट्टी में रख दियो। राजस्थान के सिक्कर शहर के देवीपुरा बालाजी मंदिर में शनिवार ने हनुमान जी अनूठो बाल भोग लगायो गयो। इसके लिए मंदिर में विशाल काय भट्टी बना की 2700 किलो को रोट तैयार करो गयो। पूर्णासर धाम का संत रामदास महाराज जकान बाप जी भी कहीं बाकी स्थानीय दिन जोधपुर और सूरत का 20 कारीगर करीब 23 घंटा की मेहनत से तैयार करो। अखंड राम धुन के बीच में बने ये रोट को भोग लगाने के बाद में शनिवार ने इको चूरमो बना की बांटी गई। बाद में गोबर के कंडा से सुलगती भट्टी पर रोट की सिकाई देर रात तानी चलती रही। ये रोट में 1100 किलो आटो, 700 किलो सूजी, 400 किलो चूरमो और 800 किलो ड्राई फ्रूट डाला गया। हनुमान जी रोट शनिवार ने सुबह 8:15 बजे लगायो गयो। एक बाद में थ्रेसर की मदद से भी कुछ चूरमो बना की प्रसाद बांटो गयो। चूरमा करीब 700-800 किलो ड्राई फ्रूट, 500 किलो चीनी, 450 किलो मिश्री और गाय को देसी शुद्ध घी काम में लियो गयो। देवीपुरा बालाजी धाम का महंत ओम प्रकाश बतायो कि बालाजी के महाभोग के समय शहर देश और प्रदेश में खुशहाली की मनोकामना करी गई। इस अवसर पर बालाजी ट्रस्ट मंदिर का महंत ओम प्रकाश शर्मा बतायो कि मारो मुख्य उद्देश्य शहर देश और प्रदेश में हमेशा खुशहाली रहे, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े और इस प्रसाद को वितरण करीब 25,000 श्रद्धालुओं का मान करो गयो। देवीपुरा बालाजी धाम सीकर राजस्थान में पिछले 3 दिनों से 2700 किलो रोटे का भोग की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही थी और आज बालाजी महाराज के 2700 किलो रोटा बनाकर प्रसाद दर्शकों में बांटा गया। इस रोटे की प्रेरणा मेरे मित्र निर्मल माटोलिया जो बालाजी के भक्त हैं, उन्होंने पहले रामदास जी महाराज फलोदी वालों के ऐसा रोटा बनता देखा था, उन्होंने मेरे को बताया और उनकी बात सुन के मेरे मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि अपन भी यहाँ बालाजी के ऐसे रोटे का प्रसाद बनाएं। इसके लिए रामदास जी महाराज फलोदी वालों से जब बातचीत की तो उन्होंने इसकी सहमति दे दी। सुबह से बालाजी मंदिर परिसर में भक्ता को आनो जानो लाग रहे है और धार्मिक कार्यक्रम को आयोजन चल रहे। बालाजी महाराज की कृपा रही जी की वजह से अत्तो बड़ो आयोजन हो सक्यो। बालाजी महाराज की कृपा से सगला लोग खुश रहेगा और हमेशा देश में खुशहाली को माहौल बनो रहो। इस खबर के बारे में थारो के कहना है, थारा जो भी विचार है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करियो और अगर अभी तानी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जो भी अगलो वीडियो आवे बिको नोटिफिकेशन थान तुरंत मिल जाए।